हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हो रहे हैं आप सभी के एग्ज़ाम ख़त्म। ये वीडियो प्लानिंग के लिए नहीं है, ये वीडियो गाइडेंस के लिए है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस गाइडेंस के वीडियो को पूरा देखेगा। आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट मिनट्स में लेना चाहूँगा। और आज हम पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, आज हम कैरियर से रिलेटेड बात करेंगे कि भैया एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब हमें फाइनली क्या करना चाहिए। देखो, कुछ लोग होंगे जो अभी बुक क्लोज कर देंगे और रिजल्ट आने का वेट करेंगे और उसके बाद अपना रिजल्ट स्टार्ट करेंगे। आप में से कुछ प्यारे दोस्त ऐसे होंगे जो कोई आर्टिकलशिप में कहीं चले जाएंगे, या तो फिर कोई ट्रेनिंग, OTTT, ITT वगैरह की ट्रेनिंग होती है, आप उसमें लग जाओगे। नाउ कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कुछ भी नहीं करेंगे, दे टेकिंग जस्ट चिल कि यार बहुत मेहनत कर ली, ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक सुनना चाहिए कि क्या आपको करना चाहिए प्रॉपर। मैंने आज तक नहीं देखा कि एग्ज़ाम के बाद कोई टीचर ऐसी गाइडेंस दे जो बच्चों को एग्ज़ाम में भी हेल्प करे, अपकमिंग लाइफ में भी हेल्प करे। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, एक पर्सनल फीलिंग, दोस्ती वाला, ठीक। आज टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं है, आज मोटिवेशनल स्पीकर का मोटिवेशन से रिलेशन नहीं है, आज बस एक दोस्ती और भाईचारे वाला वीडियो। दोस्तों सबसे पहली बात कि हमें क्या करना चाहिए आफ्टर द एग्ज़ाम। देखो, सचिन तेंदुलकर सर कहते थे, बिल गेट्स सर कहते हैं, और स्टीव जॉब सर भी कहते थे, संदीप महेश्वरी सर भी कहते थे, सारे जो भी आप जिसे लेजेंड मानते हो आज के टाइम का, वो सभी लोग ये कहते थे, लव द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। आपको प्रोसेस से प्यार होना चाहिए, रिजल्ट से नहीं। तो अगर आपके एग्जाम खत्म हो गए तो चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। हो सकता है ग्रुप वन में या ग्रुप टू में कहीं कोई एक सब्जेक्ट ऐसा रह गया हो जो आपको वीक लगता हो, तो कृपया करके उसको राइट नाउ स्ट्रांग कर लें। रिजल्ट आने के बाद ना कहे ओ शिट यार इसमें तो नंबर कम आए। आपको खुद ही एक बार एनालाइज करना बैठ के कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, एक बार प्रिडिक्शन करना, जो सब्जेक्ट वीक हो वो कर लेना। ग्रुप वन वाले बच्चे ये कर सकते हैं कि ग्रुप टू की क्लासेस ले लें, जिन्होंने ग्रुप टू अच्छा गया, ग्रुप वन अच्छा नहीं गया, वो ग्रुप वन की क्लासेस ले लें, या जिसके दोनों ग्रुप अच्छे गए हैं वो क्या करें, सर मेरे को तो पूरा श्योर है मैं पास हो जाऊंगा। तो भैया आप अभी ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो, साथ के साथ एक आध सब्जेक्ट जिसमें जाके आप इंटरव्यू देंगे, जिसमें आपको अपना फील्ड एक्सपर्टाइज करना है, आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो कि राइट नाउ यू कैन मेक योर सेल्फ अ बेस्ट यूटिलिटी टूल। अपने आप को एक ऐसा टूल बनाओ, एक ऐसा हथियार बनाओ कि हर कोई कहे कि भाई इसके बिना ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, ये ब्रांच नहीं चल सकते। अपने आप को वैसा बनाओ लाइक स्टीव जॉब्स, आउट ऑफ द बॉक्स। तो सर अगर हमारा कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया, हमने उसकी क्लासेस ले रखी थी, अगर आपने ले रखी थी तो आप उस नोट्स को रिवाइज करो, नहीं ले रखी थी तो आप ले लेना। और सर एक दो टिप्स देना चाहूँगा, जैसे अगर आपको पीस लाइफ को हैप्पीनेस बनाना है, हैप्पी हैप्पीनेस लानी है लाइफ में, तो बुक्स होती हैं सर रॉबिन शर्मा सर की, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। आप खरीद के पढ़ें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते तो ऑडियो बुक्स बहुत सारी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप सुन सकते हैं। और जो लोग थोड़ा बिजनेस माइंडेड रहना चाहते हैं, थोड़ा अपग्रेडेड रहना चाहते हैं, एक लेवल स्टेप नेक्स्ट सोचना चाहते हैं, उनके लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। सर उसका क्या फ़ायदा है, एक्चुअली वो आपको गाइड करेगी कि आपका एजुकेशन और फाइनेंशियल लेवल जो आपने लर्निंग किया है, क्या वो आपको हेल्प कर रहा है आगे, आप किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है। उनकी एक है रिटायर यंग, मतलब एक बुक है उसका मीनिंग यही है कि आप लाइफ टाइम हमेशा इस तरीके से काम करो कि आपको रिटायर होने की जरूरत ना पड़े। ये भी उन्हीं ऑथर की है, रिच डैड एंड पुअर डैड। मेरे पास उनकी सारी बुक्स हैं, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत अच्छा शौक है, और आप लोग के एग्जाम के चलते मेरी एक बुक छूट रही थी, द ड्राइव, मैं वो पढ़ने वाला हूँ। फिर एक मेरा मोटिवेशनल चैनल है, मैं भी अपनी लाइफ इंजॉय करूँगा, लेकिन मैंने ए टॉप 20 का बैच भी स्टार्ट किया है May 2020 के लिए, तो मैं उस पर भी फोकस रहूँगा। कुछ एक मोटिवेशनल चैनल है मेरा, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा, अपने इंस्टाग्राम पर कुछ अच्छी अच्छी मोटिवेशनल पोस्ट डालता रहूँगा। 9354719404 नंबर है, उस पर मैं रिप्लाई करता रहूँगा, मतलब मैं भी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करूँगा। यार आप लोग के एग्ज़ाम खत्म होते हैं ना तो हमको भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फुल रिलैक्स हो जाते हैं, हम भी अपने कहीं ना कहीं काम को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। उसी तरीके से आप सभी को भी क्या करना है पता है, थोड़ा सा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है। विदाउट लर्निंग यू कांट ग्रो योर अर्निंग। आपको भी कहीं ना कुछ सीखना होगा। अब अगर आप एक अच्छे स्पीकर हो तो अपनी आवाज़ पे, अपने बोलने के तरीके पे ध्यान दो। अगर आप एक अच्छे एक्टर हो तो आप कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हो, किसी भी स्लाइड्स की, ऑडिट की, लॉ की, या किसी भी PPT के थ्रू, वो उस पर ध्यान दो। अगर आपको पढ़ने में बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस रिलेटेड एक दो बुक पढ़ो। मतलब ये कह रहा हूँ जियो यार, अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन लर्निंग के साथ।
सर मैं ना चाहता हूँ दोस्तों के साथ खूब अय्याशी करूँ, घूमू फिरू, मॉल वॉल जाऊँ, और बहुत दिन हो गए अपने एक्स से बात किए हुए। भाई सर वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको जो करना है करो, लेकिन लर्निंग कहीं ना कहीं रहनी चाहिए। एक आध सब्जेक्ट आपका जो वीक रह गया उसको स्ट्रांग करना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे प्लानिंग चाहते हैं ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, बोथ ग्रुप की, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी 2-3 दिन पहले डाल चुका था, लेकिन अभी भी आप देखना चाहते हो तो वो अवेलेबल है। कल 21 से ही मैंने स्टार्ट किया था उसको, वीडियो 21 से ही बनवाया था, तो वो आप वीडियो का प्लेलिस्ट, वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। या फिर रिसेंटली मेरा वीडियो अपडेट करना, विनीत मिश्रा सर प्लानिंग फॉर मई 2020, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो मैं क्या बोलना चाहता था, ओवरऑल समझो, अपने ईच और एवरी सेकेंड को अभी भी यूटिलाइज करना। एक हैप्पीनेस के लिए कि ऐसे काम करना जिससे खुशी मिले। एक लड़के ने मुझे कमेंट किया, सर मेरे को ना दारू पीने से खुशी मिलती है, दारू पियो, इज योर ऑलवेज। एक टीचर ने मुझे सिखाया था, उन्होंने कहा था कि भैया इस दुनिया में ना तो चीज़ कोई बुरी होती है ना सही होती है, हालात ऐसे होते हैं उसको सही और गलत बनाने वाले। अगर आपको लगता है वो करना तो आप वो करो, लेकिन ये याद रखना कि आपकी लाइफ का एक छोटा छोटा स्टेप जो होता है ना वो कम्युलेट होता है और फाइनली वो ग्रो अप करता है आपकी लाइफ के लिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा मतलब कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गए इस सब्जेक्ट का, मैं इशू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप जस्ट जल जैसे करना चाहते हैं वो करें। मैं 1 दिसंबर से आपकी ऑडिटिंग क्लास जो पेंडिंग है 24 के बाद वो कंटिन्यू करूँगा, और एक बहुत अच्छा धमाका लेने लेके आने वाला हूँ मैं 1 जनवरी के आसपास, और हाँ वो फ्री सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। और क्या होगा नहीं होगा अभी नहीं, जस्ट नाउ नहीं, थोड़ी सी प्रिपरेशन उसकी चल रही है, आई विल टेल यू वेरी सून। और एक चीज़ ये कहूँगा कि लाइफ में थोड़ा थोड़ा लर्निंग बनाए रखना, ठीक है। और सर जिन बच्चों के एग्ज़ाम सही नहीं गए हैं ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, जिनके बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं, जिनके एग्ज़ाम जैसे कई बार 4-5 अटेम्प्ट पे क्लियर हुए हैं, वो अभी OTT ITT वगैरह मत करना, आप बस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना, क्योंकि उसके चक्कर में आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी वो स्किप हो जाती है। कुछ सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो ये भी रेडी नहीं है, वो भी रेडी नहीं है, रिजल्ट टाइम पे बोलते हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ, मैंने तो OTT ज्वाइन कर ली थी। तो भैया आप बेवकूफ़ हो ना, अभी नहीं करना। OTT ITT वगैरह जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो बच्चे करें जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी थी इसी बार में, और जिनको श्योरिटी है कि वो पास हो जाएंगे, या तो जो रोज़ पढ़ने के लिए टाइम निकाल सके, क्योंकि उसमें भी आपके दिन के 5-6 घंटे लग जाएंगे, आने जाना, एनर्जी वगैरह, तो वो वही बच्चे करें। अभी आर्टिकलशिप किन बच्चों को ज्वाइन करनी है जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो पास हो जाएंगे, जिनके 4-5 अटेम्प्ट में एक ग्रुप निकला या सेकेंड ग्रुप निकला, वो अभी नहीं करेंगे, वो सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से पढ़ने की। बाकी प्लानिंग का वीडियो मैंने डाला हुआ है, देख लीजिएगा। एक दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते कुछ बताना चाहता, मैंने आपको बताया, आई होप अच्छा लगा होगा। एक लाइक बटन प्रेस करके, और जो भी मेरी मजदूलिस मैराथन वगैरह से नोट्स वगैरह से आपको जो भी हेल्प मिली, एक प्यारा सा फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। और यही कहूँगा सर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मोटिवेशनल चैनल भी है सर एक मेरा, विनीत मिश्रा के नाम, VM मोटिवेशन के नाम से, तो उस पर भी मैं वीकली, अब तो मैं भी स्टार्ट करूँगा, हर 2-3 दिन पे एक मोटिवेशन वीडियो स्टडी रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड डालता रहूँगा, आप देखते रहना और जुड़े रहना यार। और मेरी ID जो है मुझे याद नहीं है, मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम की ID, उस पर भी मुझे मैसेज भेजते रहना, VINIT_MISHRA007, मेरी फोटो भी लगी हुई है वहाँ पर। तो आराम से एक रिलेशन बना के रखना रिजल्ट तक, बातचीत करते रहना लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना। बट एक चीज़ कहूँगा, 24 घंटे हैं यार, 2-4 घंटे भी रोज़ पढ़ोगे ना तो एक पढ़ाई की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप पूरा संन्यास ले लोगे कि भैया मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी सर। और जिसका ग्रुप 1 अच्छा नहीं गया है, ग्रुप 1 की तैयारी करनी है, ग्रुप 2 अच्छा नहीं गया उसकी तैयारी करनी है, जिसको बोथ ग्रुप ही खराब गया, पढ़ रखा था तो बोथ ग्रुप की तैयारी करनी है। प्लानिंग मैंने दे दी है, देख लेना। और मेरा नंबर आप सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम का भी डाल दूंगा, तो कनेक्टेड रहना कहीं ना कहीं, अपने इस दोस्ती को, अपने रिलेशंस को, जो हमारे भी टीचर स्टूडेंट्स का, भाई भाई का, मेंटर का, स्टूडेंट्स का, जो भी आप समझते हो, बना के रखेंगे। ओके, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। 1 दिसंबर से मैं अपने वीडियो कंटिन्यू करता हूँ ऑडिट को, अभी 7-8 दिन फिर कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं आने वाला, 1 दिसंबर से मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।